हेलो हॉरर आर्मी, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स दिखाने वाला हूं जिन्हें देखने के बाद आपको एक बार को तो गूज़बम्प्स जरूर आ जाएंगे। तो यार, अगर आपको हॉरर वीडियोस देखना पसंद है या फिर डरावनी वीडियोस देखने के आप शौकीन हो तो यार आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। तो यार आप अपने ईयरफोन्स उठा लीजिए और अपने रूम की लाइट बंद कर लीजिए और चलिए फिर मेरे साथ आज के इस हॉरर क्लास को अटेंड करिए। क्लिप नंबर 1, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। दोस्तों, हमारी आज की पहली वीडियो डार्क गोस्ट पैरानॉर्मल नामक यूट्यूब चैनल की है और इस बार ये एक एबेंडेंट पड़े घर को इन्वेस्टिगेट करने आए हैं और माना जाता है कि उस घर को एक नहीं, दो नहीं बल्कि एक पूरे 5 मेंबर्स की फैमिली की आत्मा उस घर को हॉन्ट करती है। और वहाँ के लोकल्स का कहना है कि उस घर में एक फैमिली रहा करती थी जिसने गरीबी के कारण आत्महत्या कर ली थी और उनके आत्महत्या करने के कुछ महीनों बाद से ही वहाँ के लोकल्स ये शिकायत करने लगे कि उस घर में काफी तेज नॉइस आती है, जैसे कि कोई जोर जोर से चिल्ला रहा हो और वहाँ हेल्प मांग रहा हो। और इन्ही सब चीजों के कारण वहाँ के लोकल्स ने डार्क गोस्ट पैरानॉर्मल को वहां पर इनवाइट किया है। और दोस्तों, डार्क गोस्ट पैरानॉर्मल भी जब यहां आते हैं तब सबसे पहले तो वो अपने अलग अलग कैमरास को उस घर की अलग अलग लोकेशन पर इंस्टॉल कर देते हैं और फिर वो एक खाली रूम में जाके वहां पर ईवीपी सेशन करते हैं। और ईवीपी सेशन के दौरान सबसे पहले मेन हॉल में रखा एक टेलीफोन साउंड करने लगता है, जिसके तुरंत बाद ही वहीं पास में रखी एक अलमारी भी काफी तेज हिलने लगती है। दोस्तों, अलमारी का हिलना तो एक हॉन्टेड एक्टिविटी मानी जा सकती है, लेकिन उस टेलीफोन का बजना भी एक हॉन्टेड एक्टिविटी थी, क्योंकि दोस्तों उस घर में घुसते ही सबसे पहले क्रिएटर ने ये दिखा दिया था कि उस टेलीफोन की वायर्स कटी हुई हैं और वायर्स कट होने के बावजूद भी आखिर कैसे वो टेलीफोन रिंग हो रहा था। और सिर्फ यही नहीं, अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान डार्क गोस्ट पैरानॉर्मल के ऊपर वहां रहने वाले अज्ञात आत्मा ने एक नाइफ से हमला भी किया जो कि उनके काफी करीब से गुजरी। इसके बाद दोस्तों वो उस अलमीरा को चेक कर रहे थे जो कि कुछ समय पहले अपने आप हिल रहा था, और तभी उनके पीछे से एक ब्लैक शैडो काफी स्पीड में गुजरती है जिसको वो तो फील नहीं कर पाते, लेकिन उनके स्टैटिक कैमरास उस ब्लैक शैडो को कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं।
इन सभी घटनाओं के बाद वहां रहने वाली आत्मा नाराज हो जाती है और वो गुस्से में आकर के क्रिएटर के ऊपर हमला कर देती है। और दोस्तों, आपको भी एक बार इस क्लिप पर नजर डालनी चाहिए। इस घटना के बाद दोस्तों क्रिएटर वहां से जाने का फैसला कर लेते हैं और शायद उनके लिए ये सही भी था। और बाकी आप इस क्लिप पर अपनी राय भी रख सकते हो, क्योंकि कमेंट बॉक्स दोस्तों आप लोगों का ही है, तो आप जरूर जाइए और इस वीडियो पर अपनी जो राय है वो मुझे जरूर बताइए। क्लिप नंबर 2, सेल आई जॉइन। दोस्तों, आज की दूसरी वीडियो टोनी नगेरा नामक यूट्यूब चैनल की है। इस वीडियो में क्रिएटर अपने बेटे की डांसिंग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। वीडियो में उनका बेटा एक काफी फेमस सॉन्ग ग्रीन डे पर डांस कर रहा था और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद क्रिएटर अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं। और वीडियो के अपलोड होने के बाद कुछ लोगों ने उस वीडियो में एक ऐसी चीज ढूंढी थी जो कि काफी डरावनी थी। तो पहले आप एक बार क्लिप देखिए। Yeah, look at Lisa, go like this. Lisa, hey, like this. Lisa, look at, hey. Lisa, go like this. Were you dancing to some Green Day? Yeah. Dance, go. तो क्या आपको कुछ दिखाई दिया? अगर नहीं तो यार आप अपने स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ाइए और स्लो मोशन में दोबारा से इस वीडियो को प्ले करिए। जब क्रिएटर का बेटा पीछे की तरफ मुड़ता है तभी एक और बच्चे का शैडो उनके सामने खड़ा होता है और शायद क्रिएटर का बेटा भी उस शैडो को देखने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि वो कुछ सेकंड्स के लिए वहां रुक भी जाता है। लेकिन दोस्तों, पलक झपकते ही वो शैडो वहां से गायब भी हो जाती है। Hey, like this. Liza, look it. Dance. Dance, look at Liza, go like this. Liza, hey, like this. Liza, look it. Hey. Liza, go like this. और इस क्लिप को देखने के बाद क्रिएटर का भी यही कहना था कि रिकॉर्डिंग के टाइम पर उन्होंने इस चीज को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। तो यार आप इस क्लिप पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या आखिर क्रिएटर का जो घर है वो हॉन्टेड है या फिर ये एक प्री प्लान वीडियो हो सकती है? क्योंकि दोस्तों, ये वीडियो 11 साल पुरानी वीडियो है और इस वीडियो के बाद इनके चैनल पर आज तक कोई और वीडियो अपलोड नहीं हुई। आखिर इस फैमिली का क्या हुआ होगा, इस बच्चे का क्या हुआ होगा और क्या वो सही समय पर अपना घर छोड़ पाए होंगे? ये आज तक एक सवाल बना हुआ है। क्लिप नंबर 3, यू कांट सेलिब्रेट। दोस्तों, आज की थर्ड वीडियो साया ऑफिशियल नामक यूट्यूब चैनल की है और इस बार साया ऑफिशियल की टीम को उनके एक सब्सक्राइबर ने अर्जेंटली बुलाया है। उनके सब्सक्राइबर का कहना है कि उन्होंने अपनी शादी
शादी के लिए एक खाली पड़े ग्राउंड को सिलेक्ट किया था। अपने शादी के सभी रिचुअल्स और फूड प्रोग्राम्स को वो वहीं पर उसी ग्राउंड में करने वाले थे, लेकिन उनका वो फंक्शन एक काफी खराब मोड़ ले लेता है। उन्होंने जिन लोगों को टेंट लगाने और ग्राउंड को सजाने का ऑर्डर दिया था वो सभी अचानक से बेहोश हो जाते हैं और साथ में ही जितनी भी चेयर्स उस ग्राउंड में लोगों के बैठने के लिए लगाई गई थी वो चेयर्स भी हवा में उड़कर गिर जाती है। और ये सब उनके सब्सक्राइबर के भाई ने खुद अपने आंखों से देखा था। तो इन सभी घटनाओं का पता लगाने के लिए साया ऑफिशियल्स की टीम इस ग्राउंड को इन्वेस्टिगेट करने आई है और अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबसे पहले तो वो काफी सारी हॉन्टेड एक्टिविटी अपने कैमरे में कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं, जैसे कि चेयर्स का गिरना, वहां रखे अलग अलग सामानों का मूव करना और भी काफी कुछ। तो यार आप एक बार इन सभी क्लिप्स पर नजर डाल लीजिए। मैंने ये सारी क्लिप्स और ये सारी एक्टिविटी आप लोगों के लिए आपस में कनेक्ट कर दी है। जैसे वो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जैसे वो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जैसे वो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर शायद गिरा दें इस जगह के बारे में कुछ बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से ना मुझे शक ध्यान से जिसकी वजह से ना मुझे शक ध्यान से अल्लाह अकबर क्या हुआ? तुम ये हिल रही है लिए ये? हाँ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर खुरम ये ऑन कैमरा 3 से 4 दफा हिली है। अल्लाह अकबर क्या हुआ? खुरम ये हिल रही है लिए ये? हाँ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर इन सभी घटनाओं के बाद दोस्तों वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को और भी आगे बढ़ाते हैं और तभी उनके कैमरे में एक शैडो मूव होता हुआ रिकॉर्ड हो जाता है और जिस तरफ से वो शैडो मूव हुआ था वहां पर ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो कि इतनी तेज मूव कर रही हो। ये परम दुर्गी है क्या? हम बिल्कुल इस जगह पे ऐसे भी देख के पीछे हुआ है। इधर से बिल्कुल इस जगह पे ये परम दुर्गी है क्या? हम बिल्कुल इस जगह पे ऐसे भी देख के पीछे हुआ है। इधर से बिल्कुल इस जगह पे
इसके बाद दोस्तों क्रिएटर वहां रहने वाली रूह से ये कहते हैं कि वो अपने आप को कैमरे के सामने ला सकती है और तभी सामने वाली वॉल पर किसी की आईज ग्लो करते हुए रिकॉर्ड हो जाती है और वो आईज जिसकी भी थी वो उस वॉल पे चढ़ने की कोशिश जरूर कर रहा था लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। देखें, मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपको किसी चीज़ पर शायद गुस्सा है या आपको किसी चीज़ की वजह से गुस्सा है। जो भी मामलात हैं, हम सिर्फ आपको यहाँ पर महसूस करने आए हैं, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कैमरे में रिकॉर्ड करने आए हैं। क्या आप अपने आप को कैमरे के सामने जाहिर कर सकते हैं? क्या आप अपने आप को कैमरे के सामने जाहिर कर सकते हैं? जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कैमरे में रिकॉर्ड करने आए हैं, क्या आप अपने आप को कैमरे के सामने जाहिर कर सकते हैं? बग़ैर नुकसान पहुँचाए अगर आप कैमरे में ख़ुद को जाहिर कर सकते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप करें। इन सभी घटनाओं के बाद दोस्तों इनकी टीम ये फैसला करती है कि वो अपने इन्वेस्टिगेशन को और भी एक्सट्रीम लेवल पर ले जाएंगे और वो कुछ चेयर्स को वापस खड़ा कर देंगे और एक कैमरे को ट्राइपॉड पे लगा करके वहीं छोड़ देंगे। और दोस्तों उनका ये डिसीजन सही भी साबित हो जाता है क्योंकि कुछ समय बाद जब वो वापस लौटते हैं तब वो सारी चेयर्स उनको गिरी हुई मिलती है। तो आप एक बार क्लिप देखिए शाहिद, जिस तरीके से ये कुर्सियाँ देखें आप बिखरी हुई हैं जी, मेरे मन में पता है क्या चीज़ आई है जी। थोड़ा सा हम एक चीज़ को चेक करते हैं, हम यहाँ कुर्सियाँ लगाते हैं। उसके आप कहना चाह रहे हैं कि हम इनको थोड़ा सा तंग करें, यही समझ लें, मतलब कि खुल के जो भी है मामला सामने आएगा। हम यहाँ कुर्सियाँ लगाते हैं, चलें। कुर्सियाँ लगाने से उन्होंने ये हरकत की थी ना जी, मतलब कि जब वो लोग आए हैं उन्होंने यहाँ पर कुर्सियाँ लगाने की कोशिश की है, अपनी कैटरिंग करने की कोशिश की है जी। ये मामला तो है, ठीक है, हम कुर्सियाँ लगा कर देखें। चलें, मैं तो कह रहा हूँ साथ में ना हम एक कैमरा फिक्स करते हैं स्टिल। हाँ, तो देन देखते हैं कि क्या होता है। चलिए, मैं ट्राईपॉड ले आते हैं। ट्राईपॉड लेकर आए, लगाएं। मुसलसल जो आवाज़ें आ रही थी ना चलों की, सारी जो जोड़ के गए थे, एक ही दो सलामत बची हैं, बाकी सारी नीचे गिर चुकी हैं चलो। और दोस्तों इस वीडियो के लिए आप में से एक ही भाई ने मुझको सजेस्ट किया था और उनका कमेंट अभी आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अब से मैं ऐसे ही कमेंट बॉक्स में से किसी भी एक मेंबर का कमेंट उठाया करूँगा जो कि किसी दूसरे वीडियो को मेरे को सजेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन उन वीडियोज़ को पहले मैं खुद रिव्यू करूँगा और उन वीडियोज़ को रिव्यू करने के बाद अगर वो सही में हॉन्टेड होगी तभी मैं उन कमेंट्स को यहाँ पर पिक करके स्क्रीन पर दिखाया करूँगा, जैसे कि मैंने आज इन भाई का दिखाया था। तो यार अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में किन के वीडियोस यहाँ पे मेरे को शो करते हो। तो चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज के इस हॉरर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लिप नंबर 4, प्रे फॉर डेमन्स। दोस्तों ये क्लिप हॉन्टेड साइड नामक यूट्यूब चैनल की
की है। इस वीडियो में क्रिएटर एक ऐसे घर को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं जो कि माना जाता है कि काफी हॉन्टेड है। वहां के लोकल्स का कहना है कि इस घर में 12 से भी ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है, जिसके बाद से इस घर को बंद कर दिया गया है और आज भी इस घर के अंदर से काफी डरावनी और अनएक्सप्लेनेबल नॉइसेस बाहर लोगों को सुनाई देती है। और दोस्तों, शायद वहां के लोकल्स का कहना सही भी था, क्योंकि जब क्रिएटर की पूरी टीम उस घर के अंदर दाखिल होती है तब से लेकर अंत तक उनके साथ अलग अलग हॉन्टेड एक्टिविटी घटती रहती है। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब वो नीचे वाले फ्लोर को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तभी उनको ऊपर वाले फ्लोर से काफी तेज नॉकिंग की साउंड आती है, जिसको सुन करके वो ऊपर वाले फ्लोर पर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन ऊपर जाने से पहले वो नीचे वाले फ्लोर के पास एक कैमरा इंस्टॉल कर देते हैं और जब वो ऊपर जाते हैं तब नीचे वाले फ्लोर पर एक्टिविटी शुरू हो जाती है। What the f- Yeah, I was gonna say this to you, this time. Upstairs EVP session. Is there somebody up here with me? Whoa! Dude! Luckily, we captured that with our static camera, but it felt like the energy was just getting started. Whoa! दोस्तों, इन सभी घटनाओं की शुरुआत तो इनके साथ उस घर में घुसते ही हो गई थी, जिसके ऊपर इन्होंने तब गौर नहीं किया था, क्योंकि जब वो उस घर के अंदर घुसते हैं तब एक ब्लैक शैडो उनके बिल्कुल सामने खड़ी होकर उन्हें देख रही होती है। What? I don't think that was a shadow, but it was on the other side of that window. Right as I was walking back into the house, I just happened to glance down at the camera's LED screen. I thought I saw some kind of black shadow behind that window, but I didn't even realize until I reviewed the footage that I'd captured probably one of the best shadow figures I've ever seen. दोस्तों, ये शैडो वहां से पलक झपकते ही गायब हो जाती है और इस क्लिप को और भी डरावनी जो चीज बना देती है वो ये है कि अंदर रखा स्टैटिक कैमरा जो कि उन्होंने घर के अंदर कुछ समय पहले लगाया था उसमें वो शैडो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं होती। I don't think that was a shadow. It was on the other side of that window. और दोस्तों, ये शैडो सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी एक बार इनके कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है जिस समय ये उस घर के अंदर अपने सारे इक्विपमेंट्स लगा रहे थे तभी ये शैडो इनको सामने वाले घर के लेफ्ट साइड की ऊपर वाली विंडो से झांक रही होती है, जो कि पलक झपकते ही इनको झांक के देखती है और फिर अपनी गर्दन अंदर की तरफ कर लेती है। Okay. When it's not feeding back like that. Midgen, just tell me when it's not feeding back like that. What's especially creepy about this figure is it appears there and then a second later disappears from that window. तो दोस्तों, आपको आखिर क्या लगता है? क्या ये शैडो उन लोगों में से ही किसी की आत्मा है या ये वीडियो एक प्री प्लान वीडियो है? आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना, क्योंकि फाइनल डिसाइडर वीडियोस के आप ही हो। तो यार, बाकी ये वीडियो यहीं खत्म होती है और आज की भी हॉरर क्लास यहीं समाप्त होती है। तो यार,
अगर आपको आज की ये हॉरर क्लास अच्छी लगी हो तो यार इस वाले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपनी हॉरर क्लास की फैमिली को और भी बड़ा बनाने के लिए आप इस वीडियोस को अपने अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए फिर खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।